अज थानू सिखाऊंगे आपां अपने घर दे विच पालक चिकन किस तरह बना सकते। आ देखो पालक चिकन बनया पिया, यह किस तरह बनया यह थानू मैं दसूंगा, तो तुसीं वीडियो एंड तक देखनी ते अपने घर दे विच जरूर ट्राई लैणी। इस टाइम इसकी खुशबू इन्नी वधिया आ रही है ना, तो तुसीं पुछो ना बई जी करदा पता ही है भाव। तो इस विच जो जो समान पे वह भी तुसीं देखो, मैं दसदा टमाटर है, प्याज है, तो तेज पत्ता, जीरा, थोड़ा धनिया, वड्डी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, लसन, अदरक, हरी मिर्च, तुसी जो होर तिखा करना लाल मिर्च भी पा सकते जो अपने घर के मसाले होंगे, तो चिकन तो आम जो अपने घर के मसाले होंगे गर्म मसाला, हल्दी, तो नमक, तो आप ताज़ी पालक लई हूँ पालक नूं कटदे आप, घर की पालक है लगे जी, मैं चल बाहरों कहूँ लिया है घर की शुद्ध पालक कटदे हैं। इन्ना धनिया पा लेंगे बिच, ज्यादा नहीं। हम आप कटिंग करा जी, कटिंग कहने बहुत बरीक करनी है, मोटा मोटा नहीं कटना है, बरीक बरीक कटना है, जब मशीन टोकन मशीन नहीं होती वो तो मैं बरीक बरीक जान ठीक है। कटूंगा ना इदा ने ना पतला बरीक बरीक जान, धनिया भी बरीक बरीक जी कट लेना, ये अपने बिचे नाले पा लेना। लो जी आ गई अपने कट लिए ताजी पालक ठीक है जी, तो आ पिया जो सारा समान पिया, प्याज कट लवेंगे, उस तो बाद अपना टमाटर कट लवेंगे, कढ़ाई के मैं सरों का तेल ले लिया, तुम अपने घर जो जो मर्जी ऑयल ले सकते कुकिंग ऑयल ले सकते हैं ठीक है जी, तो 200 ग्राम मैं पा लिया इस हूँ, तेल थोड़ा कच्चा है तो उसमें एन पूरा एक बार पका लवेंगे, एन पूरी हीट पर लेके जाना एक बार, तो उस बाद थोड़ा ठंडा करके फिर बिच इसके पन जो खड़मे मसाले पा लेने, पाने अदरक तो लसन तो हरी मिर्च, आप इन्हों का तिना का पेस्ट बना देंगे, अपना पेस्ट तैयार है, देखो बिल्कुल तैयार हो गया जी, हम तेल है पूरा गर्म हो चुके हैं, देख भी थोड़ा एक बार ये हाँ देखते हैं पूरा गर्म हो चुके हैं, थोड़ा जहाँ ठंडा कर लेंगे, लो जी खड़मे मसाले पा लवेंगे, थोड़ी इलायची मैं भन ली ये पा देंगे बिच, तो जीरा तो बिच थोड़ी जी काली मिर्च भी है, उस तो बाद प्याज पा लवेंगे, जब तक अपना मसाला भुन होता तो आप इन थोड़ा जहाँ चिकन नमक ला के रख देवे, थोड़ी जी हल्दी पाऊंगा ज़्यादा नहीं, थोड़ा जहा गर्म मसाला, जो अपन इधर पेस्ट बनाया इधर थोड़ा जहा पा देंगे, हिस्सा ज्यादा नहीं, अद्धा हिस्सा इधर पा देंगे, अद्धा उधर पा देंगे, फिर चंगी तरह मिक्स कर देवे, तो जो पेस्ट बनाया पा देवे, प्याज अपना भुन हो चुके टमाटर पा देंगे जो पानी कट गया,
लो जी अपना खड़मा जहा मसाला तैयार हो गया है। ठीक है जी, तो हम इस पाने हल्दी, तो मैं एक चमचा हल्दी का पाया, तो गर्म मसाला, तो देगी मिर्च। देगी मिर्च ना भी थोड़ा सोना कलर ये पर आ जाता है। देखो कितना सोहना ग्रेवी का कलर हो गया अपने का। ठीक है जी, अपन ये बनाना थोड़ा खड़मा खड़मा जहा बना, कई बंदे ने बस मिक्सी घुमा देने, अपन ने मिक्सी नहीं घुमानी। हम अपन ने इस पा देना चिकन, तो नमक पावे हम अद्धा क चमचा इस क्यों, क्योंकि अपन ने ना पहला चिकन भी नमक लाया हुआ से। ठीक है जी, कितना सोहना अपना ग्रेवी का कलर आया। लो जी अपना मैं इसको 5 मिनट पका लिया। ठीक है जी, अद्ध कच्चा जहा कर लेना अपने चिकन ये। ठीक है जी, तो इस पानी नहीं पाना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जो अपन इस पालक पानी है इसने भी पानी छड़ना है। ठीक है जी, देखो अपना पालक पा देनी इस हम इस चंगी तरह मिक्स करना। फिर चंगी तरह मिक्स कर दो इसमें, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इस टाइम कि पालक ते चिकन दी ना, और क्या कॉम्बिनेशन है इसका। लो जी हम इस ढक देवे, हाँ लो जी, मैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो आप करछी मार दी, करछी आए नहीं मारनी, पर थले जे मारनी करछी आए। ठीक है, थले थले जे भी थले लगे ना अपना चिकन। लो जी मैं हम पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, तो आलू उद्दे थले करछी मारनी है, ज्यादा नहीं मारनी। जो तुम ए अलग थले करो जो चिकन आ, देखो जो लेग पीस ना टुट सकते अपने, फिर ये कुछ होर कुछ बन जाता फिर। ठीक है जी, हूँ सेक कर देना मीडियम, पहला मेरा सेक फुल से, हूँ मैं सेक मीडियम कर देना बस, हूँ हल्के हल्के सेक और पकड़ दो इसमें, कि अपने चाहिए अपने ग्रेवी के अपनी जो पालक है वो मिक्स हो जाने की, हूँ मिक्स हो चुकी है, तो हल्के हल्के सेक फुल इसमें पकाई जाने। पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, तो अपना तकरीबन तैयार है जाना, ज्यादा ना जिदा चिकन सूप बन जाना फिर जो तुम ज़्यादा पकाओगे, एन परफेक्ट है इस टाइम। आ देखो ना पानी पाया मैं बिच। ठीक है जी, तो हम इसकी गैस कर देवे बंद। लो जी तुम देख लो जी, तो अपना किस तरह बनया पालक चिकन एक अलग स्टाइल न, बहुत लोग अलग अलग स्टाइलों बनाते, कोई इसकी ग्रेवी बना के पाँगा इस, तो मैं एक अलग तरीके बनाया, तो थोनों किस तरह लग्या है चिकन, तो जरूर मेरे अपने कमेंटा शेयर करो, तो तुम अपने घर के भी इस तरह चिकन बनाने जरूर ट्राई करो, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा मेरा वीडियो देखने वास्ते, मिलते हैं हम किसी पर अगली वीडियो के।